अनिल गौर साहब, इसे किस तरह से आप मानते हैं भारत की बड़ी कूटनीति की ये रणनीति की जीत है, क्योंकि पिछले एक साल से जो तनाव था उसे बातचीत के जरिए आके सुलझा लिया गया। नमस्कार जी, बात यह है कि जो आज हमारे रक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है जी, इसमें बहुत से पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू तो ये है कि चलिए, एक जो एक हमारा इलाका था पेंगोंग से, वहां से जो हमें जिस हिसाब से चीन आगे पेट्रोलिंग से बंद करके रखा हुआ था, वो अब वहां से वापस जाएंगे। चलो, वो एक जो हमारा जो इलाका है वो थोड़ा सा खुल गया है, बट जो दूसरे इलाके हैं हमारे, आप देखिए, जो हमारा दोलताबाग अल्टीमेट डिप्सांग प्लेन जो है, जहां पे चीन घुसा हुआ है और जहां पे हमारे पर बहुत दबाव पड़ा हुआ है, हमारे जो रोड जो है शायद जो दोलताबाग ओल्डी रोड के ऊपर, उसके ऊपर कोई समझौता नहीं किया उसने। दूसरी बात, चीन जो है अपना जो हमारा इनके साथ 96-99 में जो समझौते हुए थे कि उसके अंदर एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ जो थे वो इस इलाके तिब्बत के इलाके में उनके होंगे, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की उसने। अभी आप देखिए, क्योंकि हमारा जो स्थिति है, हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारी डिप्लॉयमेंट में हमें मुश्किल आती है वहां पे, चीन को वहां से डिप्लॉयमेंट करने में बहुत आसानी है, क्योंकि उस तरफ का इलाका जो है, एक तो वो इलाका प्लेन है और दूसरा उनके उनके रोड जो है पूरी उधर तक बॉर्डर तक बनी हुई है। तो ये जो चीज है, अभी एक पहलू जो है हमारा, एक ही पहलू जो है वो हमारा सॉल्व हुआ है। दूसरी बात जी सर, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि LAC के ऊपर हमारा समझौता हुआ है, पर अभी तक जो है LAC क्या है वो अभी तक ग्राउंड के ऊपर डिफाइन ही नहीं हुई। बिल्कुल।